देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से सामने आ रही है। पत्नी द्वारा आशिक के साथ मिलकर बेरहमी से अपने पति को उतारा मौत के घाट। नरेंद्र की साजिश उसी की पत्नी ने ही रची थी। अपने आशिक के साथ मिलकर नरेंद्र को पहले सतपाल ने शराब पिलाई, बाद में नींद की गोली देकर 30 सितंबर को कार में जिंदा जला दिया। गोहाना सदर पुलिस ने नरेंद्र की पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक नरेंद्र और आरोपी सतपाल एक ही गांव बिस्पड़ी के रहने वाले हैं और दोनों थे बचपन के साथी। और बता दें कि इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 सितंबर को जो आरोपी है सतपाल और नरेंद्र ने पहले जमकर शराब पी और शराब में जो है सतपाल ने नरेंद्र की गिलास में नशे की जो गोलियां हैं वो मिलाई दी जाती है और मिलाने के बाद जो है जब वह गहरे नशे में चला जाता है नरेंद्र, तो उसको गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग के हवाले कर दिया जाता है। और तस्वीरें देखते हैं, ये नरेंद्र की तस्वीरें हैं जहां पर इस व्यक्ति की जो है बेरहमी से उसी की पत्नी के द्वारा हत्या करा दी जाती है। और अब जो है जो नरेंद्र की पत्नी है और उसका आशिक है पुलिस की कटघरे में है और बता दें कि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आज कोर्ट में पेश किया गया था। नरेंद्र की पत्नी को जो है जेल भेज दिया गया है और सतपाल है उसको अब पुलिस ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया है ताकि अन्य तथ्य पर भी पुलिस इससे पूछताछ कर सके, क्या इसमें और कोई व्यक्ति भी इस हत्या की साजिश में कोई शामिल तो नहीं। और बता दें कि ये रूह कांपने वाला जो है मामला है वो आ रहा है बिचपड़ी गांव से। और आपसे भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देश अब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बॉडी में पीछे जली हुई गाड़ी में उसमें खुलासा किया गया है, पर क्या पूरा मामला था? 30 तारीख को बुटाना माइनर के पास एक गाड़ी जली हुई मिली थी जिसमें एक व्यक्ति जला हुआ था, तो पूछताछ पे वो आइडेंटिफाई हो गया। नरेंद्र नाम का व्यक्ति था जो गांव बिचपड़ी का रहने वाला था, वो ड्राइवरी का काम करता था। उनकी परिजन की शिकायत पर हमने FIR मर्डर की धारा के तहत हमने FIR दर्ज की थी, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन को करते करते इस नतीजे पर पहुँचे कि उसकी पत्नी ही उसकी मौत का कारण रही है। उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है। प्रेमी के द्वारा ही नरेंद्र नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। उसका प्रेमी गांव का बिचपड़ी का ही रहने वाला था और उसी ने नरेंद्र को गाड़ी में दारू में नींद की गोली डालकर उसको बेहोश किया गया, उसके बाद गाड़ी में पेट्रोल डालकर गाड़ी को आग लगा दी गई थी, जिस पर हमने कल आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसको आज 5 दिन के रिमांड पुलिस रिमांड पर लिया गया, जिसकी हम गहनता से जांच कर रहे हैं। उस महिला को भी गिरफ्तार किया? महिला को गिरफ्तार किया गया और उसको जुडिशल के पेश किया जाकर उसको सोनीपत जेल छोड़ा गया। जो आरोपी है वो भाग रहने वाला है, क्या नाम है? आरोपी सतपाल नाम का लड़का है और वो गांव बिचपड़ी मृतक के गांव का ही रहने वाला है, आपस में उसका दोस्त भी हुआ करता था। उसको गिरफ्तार करके हमने 5 दिन का रिमांड हासिल किया। इसमें और कहीं किसी की संलिप्तता है या नहीं है उसके हम बारीकी से बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बारीकी तक हम इसे काम करें। तो ये 30 सितंबर का मामला है या 30 अक्टूबर? ये 29 की घटना है जो हमें पुलिस को सूचना 30 को सुबह अर्ली मॉर्निंग मिली थी। तो कुछ पूछताछ में शामिल है और मामला पता लग गया? पूछताछ में फिलहाल आरोपी ने ये बताया कि मैं इस नरेंद्र की वाइफ के प्यार में था और हम दोनों ने एक योजनाबद्ध के तरीके से मैंने इसको गाड़ी में जला के मारा है। पहले शराब पी? पहले इन्होंने
इवनिंग टाइम में ये मृतक के साथ ही रहा, उसको शराब का नशा करवाता रहा और शराब की जो गिलास है उसमें इन्होंने नींद की गोलियां ये डालता रहा घंटे घंटे बाद, और उसको बिल्कुल बेहोश किया इन्होंने 12 बजे के आसपास। तो 2 बजे के आसपास गाड़ी में आग लगाई गई। ये गाड़ी कहाँ पर मिली थी सर? ये बुटाना माइनर नहर है, बिचपड़ी गांव से के पास ही है, उसकी बिल्कुल पटरी पे ये गाड़ी खड़ी हुई थी।